दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको WhatsApp की एक बहुत ही मज़ेदार और दोस्तों खुफिया ट्रिक बताने वाला हूं, जिसका यूज करके दोस्तों आप अपने WhatsApp स्टेटस को हाइड कर सकते हो उन लोगों से जिनको आप अपना WhatsApp स्टेटस नहीं दिखाना चाहते हो। दोस्तों बहुत सारे ऐसे आपके फ़ोन कॉन्टेक्ट के अंदर बंदे होंगे जिनको दोस्तों आप स्टेटस तो लगाते हो बट नहीं चाहते हो कुछ चुनिंदा बंदों को जो वो हमारी स्टेटस को देखें। तो ऐसे में दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। इसे जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को कंटिन्यू देखना होगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको अच्छा लगे। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट से अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और दोस्तों इस कमाल की वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने पास दो मोबाइल फोन लिया है और दो मोबाइल फोन मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा सकूं। और दोस्तों जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अगर आप ये सीख लेते हो, जान लेते हो, तो दोस्तों आपको ये हमेशा काम आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप पर डे स्टेटस लगाते हैं और दोस्तों स्टेटस लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे कुछ दिन ऐसे स्टेटस होते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही प्राइवेट होते हैं और दोस्तों हो सकता है डॉक्यूमेंट हो, फोटो हो या आपके घर की कोई पर्सनल फोटो हो, जिसे कि दोस्तों आप अपने कॉन्टेक्ट में शेयर नहीं करना चाहते। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में दोस्तों बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जो भरोसेमंद नहीं होते हैं, वो दोस्तों आपके स्टेटस को सेव करके वो कहीं शेयर कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप उनसे हाइड कर सकते हो, जो भी अगर आप स्टेटस लगाओगे उन्हें दिखेगा ही नहीं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग लाइव प्रूफ देखो। यहाँ पे आप करते क्या हो कि स्टेटस के अंदर जाते हो, एक कोई सा भी स्टेटस यहाँ मैं आप लोगों के लिए प्रूफ के लिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटस लगा देते हो। अब इसके बाद दोस्तों ये जो बंदा है क्या करेगा, अपने व्हाट्सएप के अंदर जाएगा और आपका जो स्टेटस है यहाँ पे जाके, और स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है दोस्तों, कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्टेटस लगाया और यहाँ पे ये स्टेटस जस्ट नाउ करके अभी अभी लग चुका है। यहाँ पे सेम मैं इसे ओपन कर देता हूँ, देख सकते हो कि सेम यहाँ पे ओपन हो गया है। ये तो हो गया कि दोस्तों आपको यहाँ पे दिखा दिया मैंने प्रूफ। अब दोस्तों आप इनसे हाइड कैसे करोगे, इसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और दोस्तों हाई काउंट यानी दोस्तों HICONT हाइड योर कॉन्टेक्ट, इस एप्लीकेशन का नाम है ये, इस तरह से ध्यान से देख लेना। ये वाली दोस्तों एप्लीकेशन को आपको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेनी है। अब दोस्तों जैसी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है इसके बाद की जो सेटिंग है दोस्तों वो मैं आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर जो मैंने स्टेटस लगाया था, सबसे पहले दोस्तों मैं इसे डिलीट कर दूंगा। यहां से मैंने इसे डिलीट कर दिया, देख सकते हो कि यहां से ये डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को जो आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है आपको इसे ओपन करना है। इस तरह से ओपन होगी, इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस वगैरह देने हैं, आप जिस तरह का चाहो। यहाँ पे दिखा रहा है जिस प्रकार का, आप यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर पासवर्ड चूज किया है, यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ, फिर से मैं इसे पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर देता हूँ, ओके पे टैप कर दे रहा हूँ, बैक कर देता हूँ, मुझे रिकवरी मेल नहीं चाहिए, आपको जरूरत हो तो डाल देना। मैं ओके पे टैप करता हूँ, अलाउ पे टैप करता हूँ, इसके बाद आपके फोन कॉन्टेक्ट का यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाता है। आप जिस बंदे को दोस्तों यहाँ पे चाहते हो कि नहीं देख पाए वो मेरा स्टेटस, आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि उसका नंबर वगैरह भी सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फटाफट उसका नंबर वगैरह सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हाइड वाला जो ये बटन दिख रहा है, आप यहाँ पे इस तरह से टैप करके, आप यहाँ पे हाइड सिलेक्शन पे टैप करके ओके पे कर दोगे, ये हाइड हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप जिन लोगों को चाहते हो कि कौन कौन से आपके मोबाइल फोन के अंदर जो बंदा है उसे आपको अपना स्टेटस नहीं दिखाना है, उन लोगों से इस प्रकार से हाइड कर लेना है। अब दोस्तों ये काम आपका हो जाता है। अब आपको व्हाट्सएप के अंदर फिर से जाना है, आपको यहाँ पे स्टेटस के अंदर जाना है, पेंसिल वाला आइकन पर टैप करना है, या फिर आप जिस प्रकार से स्टेटस वगैरह लगाते हो आपको इस तरह से स्टेटस लगा लेने हैं, यहाँ पे अपडेट कर देनी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लाइव सब कुछ, यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो जस्ट नाउ करके अभी लग चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों मैं अपने इस व्हाट्सएप के अंदर गया, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। मैं इसे इस तरह से रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो भी यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, और यहाँ पे फिर से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, इंटरनेट भी ऑन है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन है, यहाँ पे भी ये अपडेट हो चुका है। फिर भी दोस्तों इस मोबाइल फोन के अंदर आपको यहाँ पे इसका जो स्टेटस है देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर जिस किसी पर्टिकुलर बंदे को आप चाहते हो वो ना देख पाए, तो दोस्तों ऐसा आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दिया है यूजफुल लगी होगी, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, कॉमेंट भी करना दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह की किसी नई और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।